क्रोध क्या है? क्रोध कुछ नहीं है, आप किसी के लिए घृणा करें, किसी के लिए अपशब्द बोले, मत रखे मैं। किसी का बुरा चाहे कि कान से खून निकल निकल के हथौड़ी का लंगोट बन जाएगा, यह क्रोध है। आज हम ऐसे ही एक गेम को देखेंगे, मतलब खेलेंगे, जिसमें लोग काफी क्रोधित होते हैं और कहीं ना कहीं अपशब्द यूज करते हैं। हम इस गेम को किसी और तरीके से, किसी और पर्सपेक्टिव को क्या बोलते हैं, किसी और दृष्टि से देखकर खेलेंगे। हम अपने गेम को पीसफुली, शांति से एंजॉय करेंगे। चलिए गेम की शुरुआत करते हैं। गेम का नाम है अ डिफिकल्ट गेम अबाउट क्लाइंबिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गेम काफी मिलता जुलता है गेटिंग ओवर इट से। हमें अभी भी कच्चा दिया गया है और आधी बॉडी नंगी है ऐसे। अच्छा, ये देख रहे, काफी इजीली चढ़ रहा है इसमें। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है और ना ही कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हम क्रोध आज क्रोध नहीं करेंगे। हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, हम किसी का बुरा चाहेंगे नहीं और ना ही किसी से बुरी बातें करेंगे। अब ये चट्टानों का कलर अलग क्यों है? जैसा कि हम देख रहे हैं, ये ग्रीन चट्टानों पे फिसल रहा है। अब हमें ये पार करना है। काफी इजीली निकल रहा है हमारा गेम, हमको बिल्कुल बिना किसी क्रोध के आराम से, एकदम आराम से हम ये गेम पार करेंगे। हम ये गेम बिना क्रोध के, क्षमा चाहेंगे। हम क्रोध नहीं कर रहे थे, हमारे गले में कोई चीज है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, वापस चढ़। गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, ना किसी का भला हुआ है। आराम से कठिनाओं, पकड़। यह सिर्फ एक खेल है, इसमें गुस्सा करके अपने नुकसान कराने की कोई जरूरत नहीं। आराम से धीरे धीरे हम ये गेम कंप्लीट कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि हमारा हाथ इतना दूर पहुंचेगा। तो हम एक चीज है जो ट्राई करेंगे, इसमें हम हो सकता है असफल हो, पर कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल अभी हम क्रोध करते तो ये सेम यार, ये अगर डंगाल टूटी तो मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा। हम आराम से यह पड़ाव भी पार कर लेंगे बिना किसी अपशब्द और क्रोध का प्रचारण करके। अगर यह इंसान दंगाल पकड़ ले तो मां की यह वाली जंप और अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। आप कृपया फिसलना बंद करें, मां की चूत। हम आपको एक उदाहरण दे रहे थे कि एक इंसान जब क्रोधित हो और जब उदास हो तो किस तरीके के शब्द यूज करके इस गेम के ऊपर अपनी घृणा दिखाता है। ज्ञान बांटने के लिए मिलता है तो उसे बांटो, अपने तक सीमित मत रखे। देखिए यह दूसरा तरीका है जिससे एक असंतुलन इंसान अपना क्रोध वापस दिखाएगा। क्या हम उनमें से हैं? बिल्कुल नहीं है। हमने क्रोध छोड़ दिया है,
और निरोध कर हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मेरा महात्मा रूप खत्म हो रहा है अभी धीरे धीरे, ठीक है। अरे लंगोट पहनने वाले को इतनी गंदी गालियां दूंगा ना मैं कि कान से खून निकल निकल के हथौड़ी का लंगोट बन जाएगा। ये मजाक नहीं कर रहा मैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं छोड़ना चाहता हूँ ये सब चीजें। मैं बता रहा हूँ मेरा दिमाग सन का ना, मैं नहीं देखूंगा इधर उधर, बहुत बहुत गंदी गंदी दूंगा मैं। बस हमें एक नई चीज पता चली कि अगर हम दोनों माउस एक साथ दबाएं तो हम ये हरी काई वाली जगहों पे भी अपनी पकड़ बना सकते हैं। ओके, 5 सेकंड का ब्रेक चाहिए मेरे को, 5 सेकंड का ब्रेक चाहिए मेरे को। आप अगर बिना किसी से लड़ाई झगड़े के अगर अपना कार्य क्रोध नहीं करेंगे। देखिए, कभी भी किसी चीज को बारे में इतना निराश नहीं होना चाहिए कि हम वह चीज प्राप्त नहीं कर पाए, एटलीस्ट हम उसके आसपास तो थे। इसीलिए आराम से धीरे धीरे पड़ाव की तरफ बिना फल की चिंता करते हुए पुशअप मत मारे। बिल्कुल अब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। देखा, बिल्कुल भी अब शब्दों का प्रयोग नहीं करने से हमारे कार्य सफल होते हैं। एक ना एक बार आप ठोकर खा के सही जगह पे वापिस आ जाते हैं, उसके बाद वापिस ठोकर खाए तो तुम धीरे धीरे ही सही हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई संकोच नहीं कि बीच में कठिनाई आएंगी और आपको उन कठिनाइयों को पार करना पड़ेगा, भले ही वह कठिनाई कितनी भी सरल हो, लेकिन आपको अनगिनत परिश्रम लग सकते हैं। पर फिर उस तरीके की कठिनाई वापस आई तो आप सक्षम होंगे कि आप वह कठिनाई को मौके बाल बांधू मैं बाल बांध रहा हूं बाल बाल नोच लूंगा मैं मेरे। धीरे धीरे हम अपने पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए देखा, बिना क्रोध के सारी चीजें प्राप्त की जा सकती है। यहां से वहां का जंप कैसे क्या? थाई मसाज, ये थाई मसाज आपको बीमार। बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। फिर हम 2 ट्राई और करेंगे जिसमें हम यहां से सीधा फिर ऐसे रख के ये सीधा ये 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 और ये 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 ये
ये शकीरा शकीरा नेवर रिलीवली वन स्टेप एट अ टाइम वन टाइम अ गोल एवरी टाइम यू विन टाटा तेरी मन अब क्या करना है? एक सेकंड, नीचे तो नहीं जाना है? ओह मैन, नीचे जाना है, मैं इतनी देर से गधों की तरह उल्टा जा रहा हूँ। नीचे जाना है, नीचे जाना है, तू पूरा नीचे नहीं जाना है मेरे भाई। हम बिल्कुल गिर सकते हैं नीचे और मुझे हम मैं कैसे करूंगा भाई ये वाली जंप? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीम टिल द एंड। मेरा ट्राइपॉड टूट गया, कहाँ गया मेरा ट्राइपॉड? मैं फेंक दिया उसको, मुझसे हो गया, ये टूट गया, गया गिर गया ऊपर का सॉकेट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीम टिल द एंड, होप यू लाइक द स्ट्रीम। अगर मेरा मन हुआ तो मैं खेलूंगा ये गेम वापस, अगर मेरे को कुछ नुकसान कराना रहा वापस तो बिल्कुल मैं खेलूंगा। थैंक यू सो मच।